एवरीवन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? Okay, we'll wait for some more time for other people to join in. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Hi, guys, good morning. So, good morning, and a very, very great Monday. Wishing you all of you a very, very great Monday. And जो लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए अगला मंडे कैसा होने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग मंडे जो नेक्स्ट होगा, क्योंकि फोर्थ के बाद, फोर्थ को आपका अक्टूबर को एग्जामिनेशन है. एंड बस ये कि ज़्यादा सोचना नहीं है जो लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, ठीक है. एंड डोंट ट्राई एंड थिंक टू मच, जस्ट फोकस ऑन द एग्ज़ाम. एंड साउंड इज लो, आई थिंक इंटरनेट एक बार भी राहुल अपना वो सही कर लो आप, मेरे को तो लग रहा है आवाज़ ठीक आ रही है. ठीक है, सो मतलब आई होप एंड प्रे कि सब लोग का पेपर अच्छा हो, बट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट you have to be careful to the fact that sometimes you know opportunity might just not be there. So even if it's not there, don't you know feel sad or bogged down, just try to build a door and make your own opportunity. So har jagah opportunity rehti hai, kahin na kahin kuch na kuch aapko milega zarur. So try and build your own opportunity, don't think too much about it. Voice is very low, aisa kaise? Good morning. Good morning, everyone. Okay, let me check. Voice nahi aa rahi hai. बहुत लो है. अभी भी नहीं आ रही है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, लो वॉइस. लेट मी नो इफ इट्स फाइन नाउ. अभी थोड़ी ठीक है तो आवाज़, अगर आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग इट्स लो वॉइस, आई मीन ठीक ठाक आवाज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ है, मतलब आई कैन लिटरली सी एवरीथिंग मूविंग वेरी प्रॉपरली.
ओके सो टुडे इज 28th of September 2020 एंड हम लोग 27th का भी न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन इम्पॉर्टेंट रहता है और आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड इट्स रिगार्डिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर कपल चैलेंज जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ऑन सोशल मीडिया। सो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। उसके अलावा देर आर सम न्यू डिस्कवरीज ऑफ स्पीशीज, हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है फॉर UPSC एग्जाम। तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट वी आर गोना डिस्कस। इन फैक्ट विल जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। सो टॉपिक्स अगर आप देखोगे, देर आर न्यू स्पीशीज विच हैव बीन डिस्कवर्ड इन MP ऑफ एम्फीबियंस, देन दे आर रिलेटेड टू सम एक्सरसाइजेज, देन देर इज अ न्यूज ऑन डीप फेक विच इज़ इम्पॉर्टेंट, देन इकॉनमी में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है, देन देर इज़ अ न्यूज़ ऑन रेमिटेंसेस पे, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए जो इम्पॉर्टेंट आपके लिए नोट करने के लिए होगी। एंड या आई रिमेंबर द असाइनमेंट, आई हैड गिवन एन असाइनमेंट ऑन द लास्ट आर्टिकल, 26th को आर्टिकल दिया था मैंने। आज अगर आप देखोगे एडिटोरियल में कोई ज़्यादा खास नहीं है, देर इज़ वन ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड देर इज़ वन ऑन कार्बन टैक्स के ऊपर एक है, तो उसको देखेंगे कार्बन टैक्स में क्या बात कर रहे हैं वो। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन एंड या सो देर आज ये क्रिप्टिक स्पीशीज डिस्कवर किए गए MP में, ये न्यूज़ में है। उसके अलावा सम रैंड यू नो अदर न्यूज़ ऑल्सो, उड़ीसा में रेडियो यूज़ किया जा रहा है फॉर लर्निंग के लिए, देन देर अदर पेरिफेरल न्यूज़ ऑल्सो। सो द मेजर न्यूज़ आइटम्स आर दीज, देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो स्लोली सी एंड लुक एट सम ऑफ द एडिटोरियल्स इन टुडेज यू नो न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो वेलकम ऑल ऑफ यू अगैन एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देन बाकी लोग भी आ जाएंगे तब तक, एंड काइंडली शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, आस्क पीपल टू ज्वाइन। ठीक है, अभी भी देखो आज देयर प्रीटी मच पीपल, अभी आए नहीं, आई थिंक बहुत सारे लोग सो रहे हैं अभी। अ लॉट ऑफ पीपल आर जनरली सीन दे ज्वाइन अराउंड 10 के आसपास। ठीक है, उसके अलावा जस्ट क्विक इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, इंडियन ज्योग्राफी फॉर 2021, ठीक है, आपका जो है 2022-23 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट होने वाला है इन अक्टूबर 2020। तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है वो अक्टूबर 1 से लेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज नाउ इट्स द एंड ऑफ द मंथ। तो अक्टूबर 1 वीक से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच विच इज़ बीइंग लॉन्च्ड ऑन अनअकैडमी प्लस। तो यू कैन यूज़ द कोड D27 एंड D510 फॉर दैट। एंड एज यू नो वी हैड अ क्लास यस्टरडे विच आई थिंक वॉज प्रीटी अमेजिंग, मतलब मुझे इतना मज़ा आया, तो आई एम प्रीटी श्योर, आई होप आप लोग को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। एंड इट वॉज एन सच एन अमेजिंग क्लास ऑन मैपिंग, इट्स गुड टू सी 2000 पीपल लाइव इन द क्लास। 2000 लोग थे कल इस स्पेशल क्लास में, एंड टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 3000 पीपल टू बी लाइव इन द क्लास। टुडे वेंकटेश सर विल बी होस्टिंग दिस क्लास, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी। आज कल मैंने मैपिंग की थी, आई शेयर द PDF विद ऑल ऑफ यू। देयर आर सम ऑफ द न्यू प्लेसेस, काफ़ी लोगों को पता चला होगा कि बहुत सारे नए जगह हैं जो उन्हें नहीं पता था कि शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है मैपिंग के लिए, सो वो हमने डिस्कस करी थी कल। तो 27 सितंबर 9 PM भी थी, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा नीचे, इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखोगे लिंक दिया भी होगा, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो, बाद में भी आप देख सकते हो। एंड 28 सितंबर आज रात को 10 बजे, डू नॉट मिस आउट ऑन दिस फ्री स्पेशल क्लास ऑन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो जो उन्होंने कल लेक्चर नहीं देख पाए थे, यू कैन गो बैक एंड वॉच, आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच लेक्चर फॉर एवरीवन। बहुत सारे नए प्लेसेस आपको पता चलेंगे फॉर एग्जाम्स परस्पेक्टिव, राइट। उसके अलावा जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग, जस्ट गिव मी सेकंड, दिस इज ऑल्सो समथिंग अ वेरी वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एक सेकेंड। या सो ये तो है ही आज अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, और एक और भी ज़बरदस्त चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए 30th September के लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी योर एक अनअकैडमी UPSC समिट, जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसे इस साल भी होने वाला है, एंड इट्स गोना बी प्रीटी अमेजिंग, क्योंकि इस बार Rank 1 जो है आपके प्रदीप एंड बाकी सारे लोग इसमें बोलने वाले हैं। तो यू नो इट्स अ मस्ट वॉच इवेंट फॉर ऑल ऑफ यू, इट्स एन ऑनलाइन इवेंट, and it's going to be
Just give me a second, guys. सॉरी सो वो थोड़ा वो एक्चुअली स्लाइड्स कट रही थी इसलिए मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है. हाँ सो 24 स्पीकर्स वन डे इवेंट है. सो यू विल हैव ऑल इंडिया रैंक वन दिस ईयर प्रदीप सिंह एंड यू हैव प्रतिभा वर्मा विशाखा एंड अभिषेक रैंक एट एंड निधि एंड ओमकांत ठाकुर. सो ऑल ऑफ दीज टॉपर्स विल बी देर. अपार्ट फ्रॉम दैट देर विल बी मृणाल सर एंड अदर सम एजुकेटर्स फ्रॉम यू नो फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल जो काफ़ी सारे लेक्चर्स लेते हैं वो भी इसमें सेशन लेने वाले हैं. सो 30 सितंबर को आप रजिस्टर कर सकते हैं. नीचे इसके बारे में लिंक दिया हुआ है आप लोगों को. सो यू कैन गो एंड ज्वाइन दिस ऑन 30 सितंबर. सो 24 स्पीकर वन डे मिशन सो टू डिस टू ट्रांसफॉर्म योर यूपीएससी जर्नी. सो प्रदीप सिंह ऑल इंडिया रैंक वन एंड टॉप रैंकर्स इस बार की यूपीएससी सीएससी के आपके लिए सेशन लेने वाले हैं. स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं. बहुत कुछ डिस्कस करेंगे ऑप्शन प्रिपरेशन को लेकर. उसके अलावा यू नो अ फ्यू ऑफ अन अकेडमीज टॉप एजुकेटर्स विल ऑल्सो बी टेकिंग अप दिस सेशन. So you can go and watch this on 30th September 2020, right? बाकी आपको पता ही आज ये क्लास है. सो पहली न्यूज़ जो है दैट इज़ रिगार्डिंग yesterday, क्योंकि हम लोग कल का न्यूज़पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं. सो yesterday was the birth anniversary of legend सरदार भगत सिंह जी. सो इट was the 130th birth anniversary. और जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं वो 27 नंबर से associated ज़रूर होते हैं बिकॉज 9 नंबर इज़ अ fiery, you know, fiery number. So you'll find that generally 27 people jo hote hain, they are very, very fiery people. So he was born on September 27 in Lailpur in Western Punjab, which is now in Pakistan. Died on, of course, you know, Shaheed Divas, jo hum manate hain, is March 23rd. And he also worked as a writer and editor in Amritsar for Punjabi Urdu language newspaper, jo Marxist theory ke baare mein baat karte the. To ye bilkul pure Marxist philosophy mein believe karte the. And he gave a very famous catchphrase, Inqilab Zindabad, which means long live the revolution. Or 1928 mein he plotted with others to kill the police chief responsible for the death of Indian writer and politician Lala Lajpat Rai during a silent march protest opposing the Simon Commission. So Simon go back karte hue jab death hogi Lala Lajpat Rai, so he wanted to avenge the death of Lala Lajpat Rai. And instead, in a case of mistaken identity, J.P. Saunders was killed. तो फिर देन ही हैड टू स्केप फॉर डेथ पेनल्टी बचने के लिए. देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब वाला इंसिडेंट बहुत फेमस हुआ था एंड देन ही वॉज अरेस्टेड देन. सो ही फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड देन सरेंडर. ही वॉज हैंग्ड एट द एज ऑफ 23 फॉर द मर्डर ऑफ सॉन्डर्स. सो देखो कितनी यंग एज में क्रांतिकारी काम करके चले गए और आज तक लोग याद रखते हैं. ठीक है सो दैट इज अबाउट सरदार भगत सिंह. And another news which came in which is very interesting is कि कैसे उड़ीसा सरकार रेडियो को यूज़ कर रही है क्लासेस कंडक्ट कराने के लिए. तो अब जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुंच पा रही हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेडियो टावर एंड कनेक्टिविटी का है. मैं तो मतलब कह रहा हूँ कि यहाँ तो इंडिया में अगर आप देखोगे नॉर्मल अर्बन एरियाज़ में ही इंटरनेट प्रॉपरली नहीं चल रहा है, तो बेचारे उड़ीसा में कहाँ चलेगा जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में है, फ्लडेड रहता है बहुत सारी जगह. एंड वहाँ पर भी नहीं चल रहा है आपका अगर आप देखो तो because of that तो जब वहां ही नहीं चल रहा है तो बाकी जगह कैसे चलेगा काम. तो दैट इज वन इशू विच इज ऑल्सो हैपनिंग. The site was better and better now. I think the some portion was getting cut. नीचे ये थोड़ा अभी इसमें कुछ OBS में recently issue होना चालू हुआ है. So I'm trying to check. I'm just checking if it's fine now.
क्रॉस अभी भी हो रहा है कनेक्ट डिसकनेक्ट। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया देख लिया। एनीवे सो वो कुछ है नहीं, मैं बता दूंगा क्या उसमें। आई थिंक अब इट्स फाइन नाउ। सो ऑनलाइन क्लासेस फेल टू रीच, सो द स्कूल ऑफ मास एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च अ क्लासरूम टीचिंग थ्रू ऑल इंडिया रेडियो फ्रॉम मंडे एज द स्कूल्स कुड नॉट बी ओपन ड्यू टू कोविड-19। ऑफ द 60 लाख स्टूडेंट दे वर हार्डली रीचिंग 22 लाख, तो इसलिए यू नो रेडियो बेस्ड स्कूलिंग करने का इन्होंने सोचा है। सो आई थिंक इट्स फाइन नाउ, या इट्स बेटर। तो it is well known that radio can be heard even the remotest part. Moreover, radio is cheap compared to expensive smartphone and the recurring cost is also low. And we hope to cover more students with the radio school program, which is a good idea क्योंकि radio पहुंच सकते हैं, but आजकल के time में लोग radio उतना सुनते नहीं है, though they can you know listen to mobile है सबके पास तो FM AM सुन सकते हैं, but उसके लिए भी अब radio अब कितना है लोगों के पास वो भी देखना बहुत जरूरी है कि कितने लोग utilize करेंगे and what is the engagement rate, जैसे हम social media में measure करते हैं लोगों का engagement rate। अब ये नहीं पता कि इसमें इंगेजमेंट रेट कितना होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, तो कि कितने लोग हैं अटेंटिव सुन रहे हैं, क्योंकि उसमें देखो ऑनलाइन में तो आप पता कर सकते हो कि कौन बच्चे ने अटेंड किया किसने नहीं अटेंड किया। हाउ डू यू इंश्योर दैट यू नो पीपल आर वॉचिंग, ए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है इसमें। सो एज पर द प्लान स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 8 कैन लर्न द लेसन थ्रू 15 मिनट्स ऑफ टीचिंग बाई एक्सपीरियंस टीचर थ्रू रेडियो। इट विल बी अवेलेबल एवरी डे फ्रॉम 10 AM to 10:15 AM and student could cover 6 pages of his textbook within 15 minutes of radio program. School units have been closed since March 17 and 3 hours of classroom instructions are also available through Doordarshan. So, baat wahi hai ki aap available kara doge, but whether it's going to be that engaging, kya learner interested rahega, usme wo bahut important cheez hai. आगे बढ़ते हैं। सो पीएम पिचेस फॉर लार्जर रोल इन यूएन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपको पता होगा यूएन जनरल असेंबली को उन्होंने एड्रेस किया था थ्रू अ वीडियो and so he pointed out some of the important things जो हमारे लिए important है। he highlighted certain things that India has been doing really well and COVID-19 उन्होंने बोला that UN थोड़ा missing है, UN needs to coordinate better। he you know laid it out very very clearly, UN का role थोड़ा सा missing रहा है and UN की responsibility थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए in with respect to COVID-19 pandemic को deal करने के बारे में। So articulating an inclusive vision for the world and India's role in manifesting, Prime Minister Narendra Modi on Saturday asked the UN General Assembly how long would India be kept out of the top UN decision making body. He was stressing ki UN Security Council mein bhai dekho India ko aap zyada din bahar nahi rakh sakte, kab tak bahar rakhoge, inclusive nahi hoga, participatory nahi hoga, UNSC reform ke bare mein he was you know making a point. So he highlighted that the problems जो आज के time की हैं वो बहुत different हैं जब UN बना था 1945 में, and they require novel solutions. So novel problems हैं, नई problem है, उसमें ज़्यादा participation का requirement है of countries like India. And he also said that UN enjoyed unparalleled respect in India, but then of course थोड़ा issue उठा है on the and questions have been raised on UN because of कि UN India को बाहर रख रहा है from UNSC reforms. So Mr. Modi also questioned the sufficiencies of UN response on which on issues such as terrorism, and where is the United Nations in the joint fight against pandemic, where is the effective response. So he highlighted very clearly ki COVID-19 mein itna abhi effective response nahi raha hai UN ka, and later he also talked about that India will be supporting the entire global community in the vaccine production, kyunki India ko pharmaceutical capital of the world bola jata hai because yahan pe hum log vaccine jo hai उसको सबसे ज़्यादा कहते हो कि आप मैन्युफैक्चर करते हैं आपकी मोस्ट ऑफ़ द अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड ग्लोबली। आप वर्ल्ड में देखोगे वी हैव वेरी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज जब हम वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल को मैन्युफैक्चर करते हैं। सो ही सेड दैट इंडिया विल बी यू नो हेल्पिंग इन प्रोडक्शन डिलीवरी कैपेसिटी ऑफ द वैक्सीन्स वंस इट इज़ आउट, एंड इंडिया ऑल्सो हेल्प द कंट्रीज इन एनहांसिंग द कोल्ड चेन एंड स्टोरेज कैपेसिटीज फॉर द डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन। सो ही ऑल्सो हाईलाइटेड on the expanding role of UN, and we were strong, we were never a threat to the world, when we are weak we never became a burden to the world. He said this is a very important line jo aap bahut interesting line hai, isko aap use kar sakte ho. He said ki jab bhi hum strong rahe humne kabhi bhi usko misuse nahi kiya, aur jab bhi hum weak rahe hum kabhi bhi kisi ke liye burden nahi rahe. To basically he was focusing on atmanirbharta. Wo concept abhi koi naya nahi hai, use abhi thoda highlight zyada ho raha hai, but atmanirbharta pe humne
हमेशा से फोकस रखा, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड ही क्यों ना हो. और ही टॉक्ड अबाउट द वसुधा कुटुंबकम, दैट द इंटायर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट एवरी इंडियन ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है इंडिया में एंड यूएन में, एंड ही वॉज देयर फॉर लुकिंग फॉर इंडियाज रोल इन द यूएन, एक्सपैंडेड रोल ऑफ इंडिया इन द यूएन. ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फॉरन पॉलिसी ऑफ इंडिया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा फोकस है, लुक ईस्ट जो है वो एक्ट ईस्ट हो गई है, और उसके अलावा जो जो वेस्ट में कुछ था ही नहीं वो लुक वेस्ट अब फोकस हो गया है. सो यू आर फॉर्जिंग न्यू टाइज विद कंट्रीज लाइक यूएई, एंड वो सिर्फ एनर्जी रिलेटेड नहीं है, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू सिक्योरिटी, टेररिज्म, आईटी, कल्चरल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, जो ओरिजिनली हम सिर्फ करते थे क्या, जो ऑयल डिप्लोमेसी होती थी, एनर्जी डिप्लोमेसी, इट इज़ नाउ बींग रीशेप्ड बाई डिफेंस डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी डिप्लोमेसी, यू नो, कल्चरल सॉफ्ट पावर इज बींग यूज. Presumably, in a message to the UN as well and as well as China, Mr. Modi said that any gesture of friendship by India towards one country is not directed against any third country. So he was talking about कि चाइना को indirectly उन्होंने बोला यहाँ पे कि अगर इंडिया US के साथ जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि दे आर गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर चाइना. तो दिस इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट चाइना इन एनी वे. अगर हम US के साथ क्लोज जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग चाइना के खिलाफ जा रहे हैं. तो वो एक जो एप्रिहेंशन है चाइना की कम्युनिटी में कि अरे इंडिया से बहुत ज़्यादा क्लोज, US बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है एंड इट माइट बी अ थ्रेट फॉर चाइना, तो वो चीज़ भी उन्होंने हाईलाइट करी कि ऐसा जरूरी नहीं है. एंड वेन इंडिया स्ट्रेंथन्स इट्स डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इट इज नॉट विद एनी मैलिफाइड इंटेंट ऑफ मेकिंग द पार्टनर कंट्री डिपेंडेंट और हेल्पलेस. एंड यू ऑल्सो थैंक मेंबर स्टेट्स फॉर ट्रस्टिंग इंडिया विद अ नॉन परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल, जो अभी इंडिया स्टार्ट करेगा टर्म, एंड विल ब्रिंग इट्स डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑन द जॉब. ही आउटलाइंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन एरिया सच एज फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ केयर एंड टारगेट्स टू एडिकेट टू ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025 and other development goals. So in this journey towards progress, India wants to learn from the world as well as share its experiences with the world. So this was an important speech, jahan se aap kuch cheeze extract kar sakte ho for your exam perspective GS2 IR mein, and also writing an essay. Agar maan lo ki aapka koi essay aata hai on global issues and challenges pe, to aap Mr. Modi jo hai, Prime Minister Modi ka jo quote hai, wo aap definitely use kar sakte ho. You can use some of these points in your answer. Now, थोड़ा और न्यूज़ के बियॉन्ड चलते हैं. कल काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था एंड आई वांटेड टू डिस्कस दिस. इनफैक्ट अगर आपको याद हो, कल मैंने मैपिंग में आपको अजरबैजान दिखाया था, स्पेसिफिकली इट हैज़ अ बॉर्डर विद टर्की ऑफ 9 किलोमीटर्स. तो कल रात होते होते काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज इरप्ट हो गए बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान ओवर द वोलेटाइल नागोर्नो काराबाख रीजन, री इग्नाइटिंग कंसर्न अबाउट इंस्टेबिलिटी ऑफ द सदर्न कॉकस रीजन, अ कॉरिडोर फॉर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड गैस टू द वर्ल्ड मार्केट. तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इससे ना अभी जो ऑलरेडी थोड़ी प्राइसेस बढ़ी हुई थी ऑयल एंड गैस की, उनकी सप्लाई थोड़ी डेफिनेटली इफेक्ट होगी. जब सप्लाई थोड़ी डेफिनेटली इफेक्ट होगी तो उससे आपकी प्राइसेस वॉलेटाइल हैं एंड वो प्राइसेस जो है वो आपकी इफेक्ट होंगी यहाँ पे. तो आर्मेनिया अगर नगोर्नो करबाख की बात करें, इट इज़ अ ब्रेकअवे रीजन दैट इज इनसाइड अजरबैजान बट इट इज़ रन बाई एथनिक आर्मेनियंस. तो है तो अजरबैजान में बट वहाँ पर लोकल एथनिक आर्मेनियन कम्युनिटी है जो उसको कंट्रोल करती है. उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल एंड मोबिलाइज देयर मेल पॉपुलेशन. सो आर्मेनिया सेड अजरबैजान हैड कैरिड आउट एन एयर एंड आर्टिलरी अटैक ऑन द नगोर्नो काराबाख रीजन. द क्लैशेस प्रॉम्प्टेड अ फ्लरी ऑफ डिप्लोमेसी टू प्रिवेंट अ फुल फ्लेयर अप विद द डेकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेजॉरिटी क्रिश्चियन आर्मेनियन एंड द मेनली मुस्लिम अजरबैजान. तो जो आर्मेनियन है वहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन आप देखोगे क्रिश्चियन है और अजरबैजान इज मोस्टली अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री. तो वहाँ पे दो एथनिक क्लैशेस हो गए, उसकी वजह से वहाँ पे एक मार्शल लॉ वहाँ के लोगों ने इम्पोज कर दिया है. With Russia calling for an immediate ceasefire and Pope Francis leading call for talks. So pipeline shipping Caspian oil and natural gas from Azerbaijan to the world passed close to the Nagorno-Karabakh region. So Caspian Sea बहुत बहुत बड़ा source है natural gas का. हमने कल भी discuss किया था mapping में इसके बारे में, मैंने बोला था कि इसको please पढ़ लेना आप लोग for mapping के लिए. And Armenia also warned about security risk in the South Caucasus in July after Azerbaijan threatened to attack Armenia's nuclear power plant as possible retaliation. तो ये नगोर्नो कारबाख, अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, ठीक है. ये जो रीजन है आप देखो, ये जो है, सो दिस इज़ योर आर्मेनिया, दिस इज़ अजरबैजान, और ये बीच में एक टेरिटरी है जो कि एक्चुअली है तो अजरबैजान में, ये नगोर्नो कारबाख ये जो थोड़ा इसमें दिख रहा है, बट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आर्मेनियंस. और ये जो रेडिश पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस रेड पोर्शन इज द टेरिटरी ऑफ नगोर्नो कारबाख विच इज़ कंट्रोल्ड बाई ऑक्यूपाइड बाई द मिलिट्री फोर्सेज ऑफ अजरबैजान. एंड ये जो येलो वाला ही है आपकी आर्मेनियन फोर्सेज ने कैप्चर कर रखा है अभी.
ये जो है आपका आर्मेनियन फोर्सेस ने अभी कैप्चर कर रखा है, तो ये इसलिए, तो इसलिए अब जरा, क्योंकि अब ऐसी ना देखो, मैपिंग की क्लास में जब तक मज़ा नहीं आता जब तक हमारे कौन नहीं होते, हमारे गूगल अर्थ भैया नहीं होते। तो गूगल अर्थ भैया फटाफट ऑन हो जाइए। सो कंप्यूटर जी, गूगल अर्थ भैया को ऑन करें जल्दी से। हम लोग ट्रैवल करेंगे अजरबैजान एंड आर्मेनिया, और ये प्रोविंस में ट्रैवल करेंगे हम लोग ज़रा, जो हमारी ये नगोर्नो काराबाख रीजन है, थोड़ा देखेंगे अगल बगल उसके बारे में कि क्या चल रहा है। सो गूगल अर्थ भैया लोड हो रहे हैं, तब तक हम लोग ज़रा आगे देखते हैं। तो ये देखोगे आप पूरा कैस्पियन से बॉर्डरिंग है एंड बाकू इज़ द कैपिटल, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इम्पॉर्टेंट गैस पाइपलाइंस यहाँ से पास करती हैं फ्रॉम दिस रीजन एंड विच यू नो सप्लाई द गैसेस टू यूरोप, क्योंकि अगर आप वेस्ट में, अगर आप यहाँ से वेस्ट में जाओगे ठीक है, तो इधर से यू आर गोइंग टूवर्ड्स द यूरोपियन साइड, इधर से। गूगल अर्थ भैया हमारे लोड हुए क्या? हो गए लोड। देखते हैं अभी, पता नहीं होता कि हो सकता है यू नो अपडेटेड मैप दिखाए गूगल मैप्स, लेट्स सी। अगर अर्थ जो है लेट्स सी, विल वेट फॉर इट। तब तक जरा हम आगे करते हैं, थोड़ा गूगल मैप लोड होने में टाइम लगता है। इकोनॉमी पेज पे आते हैं। सो इकोनॉमी में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 3.3 बिलियन डॉलर से राइज हो गया है टू रिकॉर्ड 545 बिलियन डॉलर। मैंने कल बताया था इसके बारे में मेरे कोर टॉपिक की क्लास में। एंड द कंट्रीज फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज फ्रॉम 3.3 टू लाइफ टाइम हाई 5.545। ये मैंने स्पेशल क्लास में भी डिस्कस किया था कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है। आरबीआई का लेटेस्ट डेटा बता रहा है। इन द प्रीवियस वीक एंडेड ऑन सेप्टेम्बर 11 द रिजर्व हैड डिक्लाइंड टू दिस मच। सो अभी क्या है, फिर से राइज कर गया बिकॉज फॉरेन इनफ्लो आया एंड जो डॉलर एक्सप्रेस इन डॉलर टर्म्स द फॉरेन करेंसी एसेट्स इंक्लूड योर अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन यूएस यूनिट्स लाइक यूरो पाउंड एंड येन व्हिच इज हेल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो गोल्ड रिजर्व दो वर डाउन बाई 580 मिलियन इन द रिपोर्टिंग वीक टू 337 पॉइंट, जो है अगर आप देखोगे थोड़े से डाउन हो गए थे गोल्ड रिजर्व जो है आपके। बट क्योंकि सिर्फ यूएस डॉलर फ्लक्चुएट नहीं होता, आपकी बाकी करेंसीज भी फ्लक्चुएट होती हैं, तो उसके बेसिस पे क्या होता है बाकी करेंसीज के फ्लक्चुएट होने से कि आपका आपका ये जो है फैन दो हीट अप होने लग जाता है। जैसे ही ज़्यादा प्रोसेसिंग चालू होती है ना, इसका फैन हीटिंग अप होने लग जाता है। यानी कोई बात नहीं। Yeah, this happens, I think, when there are a lot of processing which is running parallelly. तो स्ट्रीमिंग की क्वालिटी भी कभी कभी होता है। उसको चाटा मार के सही करना पड़ता है कभी कभी, होता है ना हमारा ये इंडियन जुगाड़ सिस्टम है, जो ज़्यादा आवाज़ करे उसको एक चाटा लगा दो। मतलब नॉट सेइंग यू शुड यूज़ इट, बट इवन हैपेंस विद लैपटॉप। एनीवे आई एम जस्ट गोना अपग्रेड द रैम फॉर दिस। आई थिंक इसका रैम उतना परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा है। आई थिंक देयर इज सम इशू विद इट। एनीवे सो दिस इज़ योर अज़रबैजान। आप देखेंगे आपका ये जो है दिस इज़ योर कैस्पियन सी एंड इसके आसपास का रीजन। एंड यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट यू नो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं, और ये जो है आपका आर्मीनिया है यहाँ पे, एंड ये जो प्रोविंस है वो इधर है बीचों बीच यहाँ पे। तो अभी तो यू कान सी मच इसमें, लेट मी सी इफ यू कैन ट्राई एंड जूम इन टू मिलिट्री। स्पेसिफिकेशन ठीक है चल इसका, इट्स अ 2017 एंड का है। सो दिस इज़ अ नगोर्नो कारबाख रीजन। आप देखो थोड़ा हिली रीजन भी है, और यही जो है यहाँ पे आप देखोगे एक लेक सिवान करके है, लेक एस सिवान नेशनल पार्क इज देयर। सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय आर्मेनियंस बट इट्स अ टेरिटरी ऑफ अज़रबैजान। सो नगोर्नो कारबाख रीजन इज ऑल्सो नोन एज इज अ लैंड लॉक रीजन इन द सदर्न कॉकस बोलते हैं इसको हम लोग।
दिस इज योर नगोर नोकान बाग. अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सब पहाड़ियाँ दिख रही हैं. एनीवे, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट इज द नगोर्नो कानबाग रीजन. एंड इसके ऊपर एक जगह है जो बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है, जिसका नाम है गांजा. तो आई थिंक दीज पीपल आर हाई ऑन दैट एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर नो रीजन. सो दे नीड टू कम आउट ऑफ दिस रीजन एंड यू नो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट दे नीड टू स्मोक अ लिटिल लेस ऑफ दिस. एनीवे कमिंग बैक, सो रेमिटेंसेज जो है वो डिप कर गए केरला, और केरला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसीव, इनफैक्ट केरला रिसीव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस अगर आप देखोगे इंडियन से जो बाहर पैसा भेजते हैं. एंड तो इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि अब रेमिटेंस नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ COVID-19, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स वापस आ गए. तो अब केरला ने बोला कि वो डायस्पोरा बॉन्ड्स इशू करेंगे. सो केरला विच हैज क्लोज टू 2 million माइग्रेंट वर्कर्स इन द वेस्टर्न एशियन रीजन एंड अमंग दोज वर्स्ट हिट ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19 linked drop in global remittances is gearing up to seek regulatory approval shortly to issue diaspora bonds. So, these bonds will tap into the savings of the non-resident Keralites, the majority of whom are in the GCC, where their deposits in bank are near 0% interest. So, the foreigners, the Indian residents are still in Kerala, they will be told to invest into these bonds. Because if they are in bank, they will not get any interest. Okay? So, जो आपका केरला की जो बॉडी है विल इशू करेगी बॉन्ड. सो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड जो है विच इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज इशूड अ टेंडर इनवाइटिंग अ कंसोर्टियम ऑफ लीड मैनेजर्स फॉर द प्रपोज्ड इशू. एंड वर्ल्ड बैंक इशूड एन ऑर्डर डेजिग्नेटिंग दिस बॉडी एज अ नोडल एजेंसी टू इशू दिस डायस्पोरा बॉन्ड. सो देयर वाज आल्सो अ डिसीजन टू इशू द डायस्पोरा बॉन्ड इन रुपी टर्म्स एंड द मार्केट इट अमंग नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स मोस्ट ऑफ होम आर इन द जीसीसी. तो उनसे बोला जाएगा कि भाई आप पैसा इन्वेस्ट करो बॉन्ड में, सरकार आपको इंटरेस्ट भी देगी. तो एक तरीके से एक मनी इंस्ट्रूमेंट भी है और वहाँ का पैसा यहाँ पे भी आएगा और एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी रहेगी आपके NRIs के लिए. सो दिस विल अलॉन्ग साइड मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट केरला विल ऑल्सो बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ब्रिज टू इट्स डायस्पोरा अब्रॉड हु आर अ की स्टेक होल्डर इन द स्टेट्स डेवलपमेंट एफर्ट्स. सो रेमिटेंस फ्लो टू केरला इन 2018 वॉज $13 billion एंड अराउंड $14 billion इन 2019. हाँ, सो वी आर ट्राइंग टू. सो कल का सेशन के बाद इंस्पिरेशन मिली है, तो आज का सेशन जैसा जाएगा उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड व्हाट टू डू. बट वी आर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग मोर एंड मोर ऑफ सच सेशंस. तो हमने डिसाइड किया है कि शायद हर वीकेंड तो नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक एवरी 15 डेज वी कैन प्लान एंड डू समथिंग लाइक दिस, कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सेशन है. सो प्रॉब्ली आफ्टर प्रीलिम्स वी विल प्लान विद मोर एजुकेटर्स. आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू बी मच मच फन. और भी एजुकेटर्स जुड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा मजा आएगा. तो वैसे हम लोग और प्लान करने वाले हैं, सो वी विल ट्राई एंड डू दैट डेफिनेटली. ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेमिटेंस बाय इंडियंस लास्ट ईयर इन 2019-20? क्या लगता है आपको कितना रेमिटेंस आया होगा? देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर. 91, 83, 76, 99. I know it's a very close figure, but then that is what it is. The correct answer is $83 billion last year ka. Last year jo hai second option sahi hai. So ye isi news item mein aaya tha, to bhai maine bola dekho aap newspaper padhoge to aapko samajh mein aayega ki kahan se question pick up hote hai. So Kerala and Punjab are अमंग्स द टू लार्जेस्ट रेमिटेंस जहाँ मिलती है. केरला पंजाब ये सब जो सबसे लार्जेस्ट हैं जहाँ पर मिल रही है, क्योंकि पंजाबीज आर यू नो बहुत सारे अदर आउटसाइड इन कैनेडा एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो इनकी जो इनकम इस बार इफेक्ट होगी बिकॉज रेमिटेंस यूज टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. पैसा जो आता था बाहर से उसको यूज करते थे लोग स्कीम्स में एंड बाकी सारी चीज़ों में. तो इट यूज टू बी मतलब इकॉनमी में इट यूज टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. और इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप रिसिपिएंट है रेमिटेंस का. यू नो $83 billion जो है रिसीव किए इंडिया ने लास्ट ईयर, बट इस साल 20% ड्रॉप एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए केरला ये बॉन्ड इशू कर रहा है. सो केरला विच अकाउंटेड फॉर ओवर 15% ऑफ इंडिया टोटल इनफ्लोज कुड बी अमंग द वर्स्ट इंपैक्टेड स्टेट्स ऑन अकाउंट ऑफ ड्रॉप इन ग्लोबल रेमिटेंस इनफ्लोज. रमशा है, मैंने ऑलरेडी लिया हुआ इकोनॉमिक क्लास, बाकी मैं 30th को लूंगा, कल लूंगा और 30th को लूंगा ये इकोनॉमी की जो क्लास है.
उसके अलावा ये न्यूज आई है एनवायरमेंट रिलेटेड, वीडिंग आउट लंटाना रिस्टोर्स ग्रास इन राजस्थान. सो ये लंटाना कैमेरा इसका नाम है. लंटाना कैमेरा इज बेसिकली एन एलियन इन्वेसिव स्पीसीज. ठीक है, ये लंटाने फूल आपको बड़े अच्छे दिखते हैं, बट ये एक्चुअली ये ओरिजिनली इंडिया को बिलोंग नहीं करते, इनको लंटाना कैमेरा बोलते हैं. और ये क्या करते हैं, बाकी सारे जो आपके स्पीशीज हैं उनके साथ कम्पीट करते हैं रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए, पानी के लिए. तो इस वजह से इनको हम इनको बोलते हैं एलियन इन्वेसिव स्पीसीज. सो लंटाना कैमेरा जो है इसको सरकार ने भी ऑर्डर दिया था और इसको वहाँ से हटाने की बात की गई थी. इनफैक्ट कोर्ट का ऑर्डर था हटाने के लिए. सो स्पेशल ड्राइव टू अप्रूव द इन्वेसिव लंटाना बुशेज इन द फेमस सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी राजस्थान. उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हैज हेल्प द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन ऑफ द ग्रासलैंड्स एंड हैज सेव्ड बायोडाइवर्सिटी. ये बहुत बड़ा थ्रेट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए और हैबिटेट के लिए, क्योंकि कुछ आप समझ सकते हो कुछ टाइप जो ग्रासलैंड्स हैं या पेड़ हैं या बुशेज हैं वो हैबिटेट हैं फॉर अ लॉट ऑफ स्पीशीज, एंड जब ये उनके साथ कम्पीट करते हैं तो उनका लिटरली उनका घर जो आप कह सकते हो डैमेज हो रहा है. सो द मंथ एंड अ हाफ लॉन्ग कैंपेन वॉज अकम्पनीड बाय द प्लांटेशन ऑफ नेटिव स्पीशीज ऑफ द declared patches of land and the small sanctuary in the southern Aravalli hills spread over 5.1 lakh square kilometer is home to a large number of herbivores. So Lantana Camara is a thicket forest scrub, has covered vast tracts of the land stopping the natural light. It was first introduced in 1807 Britishers ke time pe aa gaya tha and bilkul wildlife reserve mein phaila hua tha and south india mein bahut jagah milega aapko and river banks in the project tiger areas mein where it had obliterated native grasses and reduced biodiversity. In some regions, the plant has made inroads into pasture and sunk into cattle and grazing areas, and the natural gas has started growing in the grasses have started growing in the Sajjanagarh sanctuary. So, ये क्या है? इसको मैंने आग भी लगा देता है forest department, या तो weed cut, इसको या तो uproot कर देंगे या आग लगा देते हैं, क्योंकि ये जो है वहाँ पे it creates a problem and competes with the resources with other species there. ठीक है, अब एनवायरनमेंट पर और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है. ठीक है, जैसे इनविजिबल किलर थ्रेटन्स दी कंट्री सैंडलवुड फॉरेस्ट. तो इंडिया के सैंडलवुड ट्रीज जो हैं पर्टिकुलरली कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो बहुत वैल्यूड हैं, तो वो उनको सीरियस थ्रेट फेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव सैंडलवुड स्पाइक डिजीज SSD. और इस समय इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज से डील कर रहा है जो सिमिलर साउंडिंग है, बट दैट इज़ नॉट विद दैट रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हो रहे हैं. तो जैसे ये सैंडलवुड इज अफेक्टेड बाय SSD, आजकल इंडिया इज अफेक्टेड बाय अनदर SSD, सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड ड्रग्स, सुशांत सिंह ड्रग्स केस. तो इंडिया भी इस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशन से ग्रेव कंसर्न है जिससे डील कर रहा है, वो भी SSD ही है. और मेरा लैपटॉप जो है वो डील कर रहा है विद SSD, जो यहाँ पे क्या है डिस्क, हार्ड डिस्क जो है वो रोटेट कुछ ज़्यादा तेज कर रही है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस इज रनिंग एंड रैम. तो हर जगह यहाँ पे SSD ही बहुत, ये ट्रेंडिंग वर्ड हो गया SSD, हर चीज़ में SSD है. यहाँ पे SSD, बॉम्बे में SSD, लैपटॉप में SSD. सो अकॉर्डिंग टू स्टडी बाई साइंटिस्ट ऑफ द बैंगलोर बेस्ड इंस्टीट्यूट वुड एंड साइंस टेक्नोलॉजी, द नेचुरल पॉपुलेशन इन मैरियो केरला हैज विद वेरियस रिजर्व फॉरेस्ट इन कर्नाटका इंक्लूडिंग आर हेवीली इन्फेक्टेड विद SSD विच हैज नो क्योर एज ऑफ नाउ. ठीक है, सो विद बिटवीन 1-5% ऑफ सैंडलवुड ट्रीज लॉस्ट एवरी ईयर, scientists warn that it could wipe out the entire natural production if measures are not taken to prevent its spread. ठीक है, तो it is one of the major causes for decline in sandalwood production in India. तो इसको बस याद रखिएगा. उसके अलावा मैंने बताया था एक और न्यूज़ जो आई है आपकी environment को लेके, वो है MP में नए amphibian species discover किए गए. तो study conduct की गई थी by Wildlife Institute of India Dehradun on amphibians in the Central Indian Panna Tiger Reserve has come up with a list of 5 species. The researchers, apart from compiling an entire amphibian inventory, have recorded a call library of 11 species, and they have obtained information through DNA of the cryptic species. ठीक है, तो cryptic species कौन होते हैं? They refer to species that appear the same but show up a difference when their DNA is examined. तो दिखते same है but DNA अलग है उनका, इनको हम cryptic species बोलते हैं. So of the 5 species that the group has been added to the list are dwarf toad in peninsular India, एक छोटा सा फ्रॉग है, एक ओडिशा पैडी फ्रॉग है जो मोस्टली आपकी ईस्टर्न इंडिया में मिलता है, देन देर इज अ रिंकल्ड क्रिकेट फ्रॉग जिसको मोस्टली कर्नाटका में देखा गया था, उसके अलावा एक पीरीज क्रिकेट फ्रॉग है जिसको मोस्टली नेपाल में देखा गया था, भूटान एंड असम में, एंड अ वेस्टर्न बर्रोइंग फ्रॉग अर्लियर सीन इन वेस्टर्न इंडिया.
ठीक है. उसके अलावा द यू नो दिस स्पेसिफिक फ्रॉग वाज आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2017 पॉपुलेशन इन गुजरात महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. दिस इज इम्पोर्टेंट. उसके अलावा कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में अगर आप देखोगे दैट हाउ डू यू यूज क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बेटर फ्लड इनंडेशन मैपिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग यू नो मैथमेटिकल मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि कैसे इनंडेशन कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे फ्लडिंग के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा एंड मैपिंग. सो यूजिंग ओपनली एक्सेसिबल सैटेलाइट डेटा एंड अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेशनल टीम हैज नाउ डेवलप्ड अ पावरफुल टूल फॉर अ नियर रियल टाइम मैपिंग ऑफ फ्लड एक्सटेंट. सो द न्यू जो मैपिंग टूल है शोज एन एक्यूरेसी ऑफ ऑलमोस्ट 94% स्पेस बेस्ड सेंसर्स के बेसिस पे. तो यहाँ पे जो स्पेस बेस्ड सेंसर है नोन एज जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यूज करते हैं हैव बीन यूज्ड वाइडली फॉर मॉनिटरिंग दिस एंड द न्यू मैप शोड एन एक्यूरेसी ऑफ 94%. तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है मॉडल आपका क्लाउड कंप्यूटिंग से आप कैलकुलेट मतलब बेसिकली यू विल एनालाइज एंड प्रोसेस द डेटा कि यहाँ पे इनंडेशन ऑफ फ्लडिंग हो सकती है बेस्ड ऑन दिस मच अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है. येलो रस्ट जो है फंगल डिजीज है आयुषी फॉर ग्रेप्स राइट. सो दीज सेंसर्स ऑपरेट ऑन द कॉन्स्टलेशन ऑफ टू सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट्स बिलोंगिंग टू द कॉपरनिकस प्रोग्राम लॉन्च बाय ईएसए. यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है कॉपरनिकस प्रोग्राम, उसके बेसिस पे यहाँ पे काम होता है. एंड द डेटा फ्रॉम द सैटेलाइट्स वर यूटिलाइज ऑन अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म नोन एज गूगल अर्थ इंजन. हमारे गूगल अर्थ भैया हैं देखो ये लोग भी यूज कर रहे हैं तो गूगल अर्थ इंजन पे बिकॉज रियल टाइम डेटा आता है तो उसके ही प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा है उस पर डेटा ये लोग पॉपुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या सिचुएशन है. एंड द जीई हैज फंक्शंस फॉर इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस. इसलिए थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टोल ऑन द कंप्यूटिंग प्रोसेस. सो वंस यू हैव द डेटा इट जस्ट टेक्स अ फ्यू मिनट्स एज यू कैन अप्लाई मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन टेक्निक्स टू क्विकली जनरेट द वाटर इनंडेशन मैप. दिस कैन हेल्प स्विफ्टली टू स्विफ्टली डिप्लॉइंग द रेस्क्यू टीम एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कैन बी स्टार्टेड. मैं आपको उसका एक और एग्जांपल देता हूँ हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी लेवरेज. मतलब ये तो मैं खुद ही देखा है और मैंने किया है इन द सेंस किया भी है और आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दैट प्रोजेक्ट रिसेंटली. मैंने किसी को बताया नहीं जस्ट बिकॉज अभी डिस्कशन हो रहा है इसलिए बता देता हूँ. गूगल अर्थ का हमने यूज़ किया था ऑन मैपिंग कंटेनमेंट जोन्स ड्यूरिंग कोविड 19 में. आई वॉज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट एज यू नो आई एम अ कंसल्टेंट विद द गवर्नमेंट. सो आई वॉज इन्वॉल्व एंड आई वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट जहाँ पे वी वर यूजिंग गूगल अर्थ विद द एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मैपिंग ऑफ कंटेनमेंट जोन कि कैसे कंटेनमेंट जोन बनाना है कंटेनमेंट कहाँ पे बनाएंगे. कंटेनमेंट जोन्स बनाने के लिए वी यूज गूगल अर्थ एंड कितने एरिया में होगा पूरा उसका बॉक्स बना के कितना डिस्टेंस होगा कैसे होगा पूरे उसके हमने गूगल अर्थ पे बिकॉज रियल टाइम इमेजेस आ रहे हैं जब अपडेट करना होता तो उसमें क्या होता है कि मतलब देर आर सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स विच यू कैन डू. सो मैंने ऑटोमेट किया था पूरे प्रोसेस को. सो आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट. सो दिस इज़ वन ऑफ दी यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर सकते हो कोविड 19 के लिए कंटेनमेंट जोन्स बनाने के लिए पॉपुलेटेड. बेसिकली कुछ नहीं करना ऑटोमेट कर दिया चीज़ें डेटा डालो आप वो अपने आप कंटेनमेंट जोन बना देगा फिर आप डेटा जैसे चेंज करोगे कंटेनमेंट जोन चेंज हो जाएंगे. सो इट वॉज अ नाइस प्रोजेक्ट. आई मीन आई थिंक मतलब इट वर्क रियली वेल इन यू नो हेल्पिंग एंड ईजिंग द डिपार्टमेंट इन कैसे काम करना है. सो यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी लेवरेज दिस टेक्नोलॉजी for these kind of things. So yeah, so Google Earth भैया जिंदाबाद. सो आगे बढ़ते हैं. उसके अलावा ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने बोला आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये कपल चैलेंज बाई गॉड. मतलब क्या बताऊँ मैं तो मतलब आई वॉज लाइक यार सीरियसली मतलब क्या चल रहा है यार मतलब फेसबुक पे कपल चैलेंज. ऐसे भी नहीं कि मतलब यंगस्टर्स हो या कोई कर रहे हो मतलब बाई गॉड मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो थोड़े वेल लर्नड है इन्फॉर्म्ड है they were also excited by this. मतलब मैंने कहा भाई हो क्या रहा है ये what is happening you know in this. so मैं वही सोचा भाई बंद करो ये क्या है कपल चैलेंज. अब कपल चैलेंज की वजह से क्या हुआ है हो गया इशू क्योंकि नाउ दिस हैज बीन मिस यूज फॉर क्रिएटिंग डीप फेक्स. तो जो कपल्स फोटो डाल रहे हैं अब उनकी फोटो का यूज कर रहे हैं हैकर्स फॉर मेकिंग डीप फेक्स. तो अब डीप फेक्स क्या होता है उसको हम देखेंगे. So the latest trend to take the internet by storm is called as couple challenge and where thousands of people from around the world have been sharing photographs with their partners, spouses on Twitter, Instagram and other social media platforms. Kuch log photo morph karke celebrities ke saath photo dal rahe hain ki ye mera couple hai batao.
However, the law enforcement authorities in India warned users against sharing their images online after receiving complaints of people whose pictures and personal information were misused by cyber criminals. So, what is this campaign? Using this hashtag, netizens have been celebrating their relationship online by sharing pictures with their spouses and partners. Over 37,000 pictures have been posted in this campaign. And why the police is warning is because concerns have been raised by law enforcement authorities that some people are using images and morphing them for using deepfakes. So these pics can be misused for morphing, revenge porn, deepfake related cyber crimes. So deepfake kya hota hai? These are computer generated images. और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो रियल इंसान है या वो आपके जो है फेक पर्सन है. और लिटरली आप वॉइस मॉड्यूलेट भी करवा सकते हो यूजिंग दीज यू नो एआई इंजन. और आप अच्छा आप इनमें से बता सकते हो इसमें हु इज़ द रियल बराक ओबामा. 1, 2, 3, 4 कैन यू टेल मी विच ऑफ देम इज़ द रियल बराक ओबामा इनमें से. लेट मी सी आप इनमें से स्पॉट कर पाते होगा किसी को. अचल ने सही बताया ठीक है. नन ऑफ देम ऑल आर फेक. दे हैव ऑल बीन कंप्यूटर जनरेटेड. चारों के फेक है. आप बताओ ये डिफरेंस होता है. देखो इतना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है आज के टाइम पे. आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन से लोग सही हैं कौन से गलत हैं. ऑल ऑफ देम आर फेक. दिस वॉज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट डन टू शोकेस द टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. लोग मतलब आप सोचो कि ये कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि कोई ग्लोबल लीडर की ऐसे इमेज बना दे डीप फेक बना दे जाए और उसमें कुछ ऐसे यू नो ऐसे रिलीजियस भड़काऊ स्पीचेस डाल दी जाएँ और उसको सोशल मीडिया पर डाल दी जाए कि अरे मोदी जी का डाल दें किसी का भी डाल दें. लोग कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं गड़बड़िया. मतलब अगर कोई ऐसा कर दे तो सोचो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए या जो कंट्रीज वॉलेटाइल है. तो ये दीज आर द प्रॉब्लम्स विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. नन ऑफ देम आर रियल. ऑल ऑफ देम हैव बीन कंप्यूटर जनरेटेड. सो इमेजिन अ सिचुएशन वेयर इट कैन बी मिसयूज. तो ये रिवेंज पॉर्न और ये सब तो बहुत बात की बात है. आप ये देखो कि पूरी की पूरी कंट्री डिस्टेबलाइज हो सकती है. सो दिस इज द प्रॉब्लम सो ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी. उसके अलावा इंडिया एंड जापान नेवीज मैच स्किल्स इन नॉर्दर्न अरेबियन सी. तो फोर्थ एडिशन ऑफ द जिमेक्स एक्सरसाइज ये आपकी स्टार्ट हुई है इंडिया एंड जापान के बीच में. टू कंट्रीज हैव आल्सो मेड स्टडी प्रोग्रेस इन द एमडीए बेस्ड ऑन इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर डीपर कोऑपरेशन साइन बिटवीन द टू नेवीज. तो ये अभी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट भी साइन किया गया है. तो देयर इज अ जिमेक्स एक्सरसाइज व्हिच हैज स्टार्टेड इन द नॉर्दर्न अरेबियन सी. उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है परसों हाईकोर्ट का दैट प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस. So observing that prostitution was not a criminal offense under the law and that an adult woman had the right to choose her vocation, the Bombay High Court has ordered immediate release of three women sex workers detained in a state corrective institution in Mumbai. So in an order passed by the bench of Justice Prithviraj Chauhan, that prostitution has not been considered as a criminal offense under the Immoral Traffic Prevention Act. Jo actually mein crime hai wo hai forced prostitution. बट इफ इट इज डन वॉलेंटरी इट इज नॉट बीन इट इज नॉट अ क्राइम. इट इज नेवर अ क्राइम. बट पुलिस और कई बार लोग देखते हैं अथॉरिटीज इसका मिस यूज करते हैं क्योंकि वो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है एंड फोर्स प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो प्रोहिबिटेड है एंड इट इज अ क्राइम. बट प्रोस्टिट्यूशन एज सच इज नॉट अ क्राइम. सो ही वॉज हियरिंग अ प्ली फाइल बाई थ्री वुमेन चैलेंजिंग द ऑर्डर पास बाय द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. सो एज पर द ऑर्डर ऑफ द वुमेन ऑल इन द 20s वर पिक्ड अप बाई पुलिस इन सेप्टेंबर फॉलोइंग अ रेड इन गेस्ट हाउस. द मिडलमैन अरेस्टेड एंड बुक्ड अंडर द एक्ट. द थ्री वुमेन वर हेल्ड एज विक्टिम्स and sent to a correction facility. Subsequently, the mother and other legal guardians of the women approached the magistrate court seeking their custody. Okay, so he said that the women were adults and entitled to their fundamental right to move freely and choose their own vocation. And the High Court said that the women were not being prosecuted under the law. However, no question of continuing their detention in the correction home.
Even otherwise, the Immoral Traffic Prevention Act does not empower the magistrate to hold the custody of victims beyond the period of 3 weeks without there being any final order to the effect after following the due process of law. So, if you have been arrested in this, you can't do more than 3 weeks in this case until the procedure is complete and the final order is not complete. And said there was nothing on record to show that the petitioner was seducing any person for the purpose of prostitution or they were running a brothel. So, running a brothel, illegal activities karna as a part under the disguise of prostitution is illegal, but if a person voluntarily does it on their own, not a crime. Right, so this was this news. Now we will move on to some of the, main aapko newspaper quickly dikhaunga ki kaun kaun cheez important hai. Achha, maine aap logo ko ek assignment diya tha, so I wanted to see ki aap logo ne wo kara hai ki nahi kara hai. So this was the assignment that I had given all of you. And I want to discuss this article. मैं क्विकली आपको बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं जो आपको नोट करने के लिए थी. तो मैं आप लोगों के सामने लाइव ही डिस्कस कर लूँगा, इसको पढ़ देता हूँ सो दैट यू पीपल कैन गेट एन आइडिया कि इसमें से क्या नोट करना था. सो दिस वॉज एन आर्टिकल विट आई हैड गिवन ऑन 26th एज एन असाइनमेंट. पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑन द बैक बर्नर, डेटा शो दैट द गवर्नमेंट इज लूजिंग साइट ऑफ पार्लियामेंट्स प्राइमरी रोल दैट इज डिस्कशन एंड रिकंसिडरेशन. नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इज क्योंकि मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो पार्लियामेंट का मेन रोल है यू नो डेलिबरेशन एंड डिस्कशन वो कम खत्म होता जा रहा है एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स इज आल्सो गोन डाउन और एंटी डिफेक्शन लॉ से भी लिंक किया गया था इसको. सो देयर मस्ट बी अ ट्रायंफ लाटर इन द रेस्टिंग प्लेसेस ऑफ दोज हु आर्ग्यूड इन द 1940 दैट इंडिया इज नॉट सूटेड फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. देयर रीजंस वेरीड फ्रॉम पॉलिटिकल कल्चर टू प्रोवर्ब. तो अगर आपको याद होगा बहुत पहले ना नेहरू जी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई डू यू थिंक दैट इंडिया शुड बी यू नो गिवन फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेसी. वी कैन क्योंकि इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी एंड नेहरू वाज सच लीडर कि अगर वो चाहते तो वो पूरे के पूरे ऑटोक्रेटिक मतलब चाहते तो वो जरूरी था डेमोक्रेसी देते. ही कुड हैव बीन एन अथॉरिटेरियन लीडर बट ही नेवर वॉज लाइक दैट. अगर वो चाहते तो उस समय लोग सपोर्ट भी करते, इतनी ज्यादा मास पॉपुलैरिटी थी उनकी. इफ ही वॉन्टेड ही कुड हैव डन दैट बट नहीं किया. बट ही बिलीव्ड इन एवरी इंडियन एंड ही ऑल्सो सेड दैट मैं राइट टू वोट दूंगा राइट एट one instant to everyone. So everybody got adult suffrage. So uske bare mein baat hui. So providing the lead. So at the same time there were others who forcefully defended the appropriateness of parliamentary democracy for India on grounds of representativeness, responsibility and accountability. Pehla point note karne ke liye ki India ke you know democracy ke status ke at that time ki kya hamare paas parliamentary democracy honi chahiye, us samay questions raise kiye gaye the. But jin logon ne support kiya unhone uska point diya ki that India should have a parliamentary democracy because it will lead to more representativeness, responsiveness and accountability. Pehla point note karne ke liye. Theek hai, yahan pe note karna hai. And they argued that the wielders of power have to be continuously demonstrate their responsiveness to public interest on a day-to-day basis. Parliamentary democracy ka sabse bada advantage yehi hai ki aapke jo executive hai, wo responsible hai to the legislature. Matlab Lok Sabha ke liye aapki jo government responsible hogi. और इनडायरेक्टली अगर आप लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आप जनरल पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप जवाबदेह हो, यू आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक ऑफ इंडिया एट लार्ज एंड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दैट प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. सो ये चीज़ पहली जो आपकी नोट करने के लिए. एंड इवन अ स्मॉल माइनॉरिटी कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल बिकॉज यहाँ पे हर एक इंसान की वैल्यू ऑफ वोट एक ही है. तो चाहे वो रिक्शा वाला हो चाहे वो अंबानी हो, उसके वोट की वैल्यू सेम है एंड दे देयरफॉर द पब्लिक वील्स पावर ओवर यू. Second point is there is a running thread across the Constituent Assembly debates. The Parliament at the center and the legislature in the state would be the key institution around which the parliamentary democracy in India would revolve. While the state legislature in India have tended to largely, imitate Parliament without evolving institutional culture of their own, much of this rested in Parliament to provide a lead in this regard. While there were a few buds of hope in this regard, they seem to withering too early. Second point note करने का क्या है कि जो भी Parliament में होता है वो as a काम करता है as a role model for state legislature in India. इंडिया में जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनका कोई ऐसे इंडिपेंडेंट कल्चर नहीं है, वो वही करते हैं जो वो सीखते हैं कि पार्लियामेंट में होता है. तो इसलिए आप देखोगे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे रेप्लिकेट व्हाट इज हैपनिंग. तो वहाँ धरना हो रहा है, यहाँ भी धरना हो रहा है, बट फॉर्चुनेटली सम स्टेट्स असेंबली आर बेटर ऑफ, वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते जो चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ पर. तो यू नो द पार्लियामेंट जो है हमारा वो लीड प्रोवाइड करता है. लीड मतलब कि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है. दे एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर द स्टेट असेंबली. तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट. So over the years, the Indian Parliament is increasingly taking recourse to the committee system. तो ये committee के बारे में अब नया third point आया है कि जो parliamentary committee को जाना चाहिए था bill क्यों नहीं गया. And this was not merely meant for housekeeping to enhance the efficacy of the house to cope with the technical issues, but also to guard its turf and keep abreast to its exercise accountability. So committee का सबसे important role, third point from the article that has to be written is
कमिटी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल, कमिटी सिस्टम में हमने फोकस किया हुआ है. कमिटी का रोल है नॉट जस्ट सिटिंग देयर, इट इज बेसिकली टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि कमिटी स्क्रूटनी करेगी कि सरकार जो लेके आ रही है वो कैसा है, कैसे ठीक है कि नहीं है, इंप्लीमेंट कर सकते नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स द अदर पॉइंट. सम कमिटी सच एज द एस्टिमेट्स कमिटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी आपने देखा होगा, सीएजी अभी रिपोर्ट उन्होंने टेबल किया है. अब देखना, अब ये पब्लिक अकाउंट कमिटी जब बैठेगी, अब देखो आप ये ना, यही आयरनी है इंडिया की डेमोक्रेसी के आज के टाइम पे, कि पीएसी का जो काम है जब एक बार सीएजी रिपोर्ट सबमिट कर देता है उसके बाद देखने का कि क्या चल रहा है. बट अभी तो सेशन ही बंद हो गया, एडजर्नमेंट साइंड हो गया, तो अभी ही कि अभी आप देखो सीएजी का इशू आया कि सीएजी ने बोला कि इन्होंने जो है जीएसटी का जो सेस है वो गलत तरीके से यूज़ किया. अब उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा बाद में पार्लियामेंट में? पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, जिसके लीडर ऑफ लीडर होते हैं ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर. अब कुछ हो ही नहीं रहा तो भाई क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या चलेगा? सो अब यू नो इट, सो दैट काइंड ऑफ रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन राइट नाउ. सो एस्टिमेट कमेटी हो गए या यू नो दीज पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गए, हैव अ कमेंडेबल रिकॉर्ड इन दिस रिगार्ड. सो द एग्जीक्यूटिव इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन पावर was not very disposed to committees of scrutiny and oversight, sometimes on the specious plea that they usurp the powers of the parliament. This was far from the case. They were guardians of autonomy of the house. The committee of scrutiny and oversight, as the case with the other committees of the house, are not divided on party lines, work away from the public glare, remain informal compared to the courts that govern parliamentary proceedings, and are greatly training schools for new and young members of the house. ये पूरा जो पैराग्राफ है आपको नोट करना है, बिकॉज यहाँ पे बताया कि पार्लियामेंट्री कमिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है. और वो पार्टिसान नहीं है, पार्टिसान नहीं मतलब किसी पार्टी के एजेंडे पे फोकस नहीं करती. दे आर इंडिपेंडेंट बिकॉज उसमें मल्टीपल मल्टी पार्टी रिप्रेजेंटेशन होता है कमिटीज में. ठीक है, मल्टी पार्टी रिप्रेजेंटेशन इज देयर इन द कमिटीज. सो इन द डिस्चार्ज ऑफ द मैंडेट दे कैन सॉलिसिट एक्सपर्ट एडवाइस एंड एलिसिट पब्लिक ओपिनियन. और जब नए मेंबर्स आते हैं उनको काम करने का तरीका सिखाती है, जो नए एमपीज आते हैं. तो हमारे जो योगी जी अभी इस समय सीएम हैं, वो जब यंग बना तो यंगेस्ट एमपीज थे, तो उन्होंने कमिटी में सीखा है बहुत कुछ काम करना. 25 साल की एज में, आप पता ऑलमोस्ट 25-26 की एज में आ गए थे, वो एमपी बन गए थे गोरखपुर से. सो द ऑफिशियल टर्म इन इंडिया हैज ऑफन अटेम्प्टेड टू मेक कवर अंडर पॉलिटिकल मास्टर्स टू अवॉइड द स्क्रूटनी ऑफ द कमिटी. बिसाइड द स्टैंडिंग कमिटी द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेटअप फ्रॉम टाइम टू टाइम एडहॉक कमिटी टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. तो सेलेक्ट कमिटी जो हम एक तरीके से बोलते हैं एडहॉक कमिटी होती है, क्योंकि वो टेम्पररी पीरियड के लिए आती है, जिस पीरियड के लिए आपकी उनका काम जो है टास्क असाइन किया जाता है, या फिर जॉइंट कमिटी होती है दोनों हाउसेस की. वो एक पर्टिकुलर बिल को ही एग्जामिन करते हैं, जैसे ही वो बिल एग्जामिन हो जाता है दे रिपोर्ट यू नो दे टेबल द रिपोर्ट, द कमिटी इज देन डन अवे विथ. सम फॉल्ट लाइंस कैन, सो व्हाइल देयर इज मच टू कमेंड अबाउट द रूटीन वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, इट हैज नॉट बीन क्रिएटिव और इमेजिनेटिव. द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउसेज हु हैड टू गिव अप लीडरशिप इन दिस रिगार्ड हैव टेंडेड टू इमिटेट चेंजेस एंड इनोवेशंस. The chairman of the Raj Sabha, being vice president of India, cannot probably distance himself from the stance of the cabinet. But even when it comes to Lok Sabha, very few speakers, with exceptions such as G.V. Mavlankar, P.S. Sangwan, Somnath Chatterjee have taken up cudgels with their priority, you know, party leaders. Important point bataya unhone ki vice president of India, वैसे तो खैर मतलब एक party से associated है, तो chairman of the Raj Sabha है, तो शायद वो अपने आप को इतना distance नहीं कर सकते from party politics. But there are only few speakers जो इन्होंने इसको uphold किया है. जैसे सोमनाथ चटर्जी तो अपनी पार्टी के खिलाफ चले गए थे, एंटी डिफेक्शन मोशन भी चालू होने वाला था उनके खिलाफ, बट वन जी वी मावलांकर द फर्स्ट वन ऑल्सो वॉज देयर. पी ए सांगमा साहब जो थे, ये तीन आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ भी मोशंस में एक्सेप्ट किए. सो आवर ग्राउंड इज ब्रोकन 93 व्हेन 17 कमिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ड्रॉइंग मेंबर्स फ्रॉम बोथ द हाउसेस रफली इन प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेंथ ऑफ वेयर सेटअप देयर एनिसाज टू बी द फेस ऑफ पार्लियामेंट इन अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज. तो ये 1993 में इनका जो है प्रोविजन आया इसको सेटअप करने का, जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है जो हर डिपार्टमेंट के बजट्स एंड एस्टिमेट्स को चेक करते थे. तो उसके बाद अगर आप देखोगे, सो दे यूज्ड टू एग्जामिन द बिल्स, डिमांड्स, रिपोर्ट्स, एवरीथिंग. सो धीमे धीमे इन कमेटी का रोल जो है क्वेश्चन होने लगा. क्वेश्चन इसलिए होने लगा बिकॉज गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि स्क्रूटनी बहुत ज्यादा करते थे ना ये लोग. So this was not acceptable to the government because there was a lot of scrutiny which was happening. So dhime dhime gradual marginalization. So it is important to point out that the committee of the scrutiny and advice, both standing and an ad hoc, have been confined to the margins of left. Data by PRS India brings out eloquently that 60% of the bills in the 14 Lok Sabha and 71 in 15 Lok Sabha were vetted by the departmental related standing committees, and this proportion came down to 27% in the 16th Lok Sabha.
तो धीमे धीमे आप देखोगे कि प्रोपोर्शन जो ये लोग जो आप पार्टिसिपेशन जो रेट है वो आपका कम हो गया कि कितने बिल्स किन्ने स्क्रूटनी करी, दैट पार्टिसिपेशन रेट एंड स्क्रूटनी रेट हैज गॉन डाउन. सो अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट हैज शोन एक्सट्रीम रिलक्टेंस टू रेफर बिल्स टू सेलेक्ट कमिटीज एंड ज्वाइंट कमिटीज. तो अभी आपने देखा है फार्मर्स बिल को लेकर इतना जो विवाद और प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने करा ही नहीं, करने ही नहीं दिया. द लास्ट बिल रेफर टू अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी वॉज अ राइट टू फेयर एंड कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, लार भी बोलते हैं, LARR. ये लास्ट बिल था जो ज्वाइंट कमिटी के लिए गया था बिटवीन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है. एंड उसके बाद अगर आप देखोगे यू नो काफी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ, आर्टिकल 370 रिवोक हुआ एंड देन यूनियन टेरिटरी क्रिएट हुआ. सो गिवन देयर लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन ऑफ पॉपुलर प्रोटेस्ट द थ्री बिल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड वेयर ओवरऑल कंडीशन ऑफ वर्क टर्म्स एंड ये जो अभी आपका रिसेंटली चल रहा है इसको भी जरूरत थी कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजो, बट नहीं भेजा गया. सो दिस हैज सेट असाइड अ कल्चर. देर इज नो डाउट ऑफ स्कॉलर लिटरेचर टू सजेस्ट दैट द कमेटी सिस्टम हैज ग्रेटली इनहांस द कैपेसिटी ऑफ पार्लियामेंट. सो वाई हैज दिस रूलिंग डिस्पेंशन निगलेक्टेड दिस. तो अब ये बता रहे कि क्यों सरकार जो है इस बार इसको निगलेक्ट कर रही है. वन ऑफ द रीजन ही हैज गिवन इट दस इज द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड अर्जेंट नीड टू इनैक्ट सेफ्टी मेजर. द आर्ग्यूमेंट ऑफ अर्जेंसी सीम्स स्पोरियस गिवन द फैक्ट दैट सम ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्स इंट्रोड्यूस इन द हाउस आर रिलेटेड टू लेबर एंड फार्म सेक्टर वेर वेहेमेंटली अपोज्ड बाय द ग्रुप कंसर्न एंड क्लियरली एम्ड एट मार्केट रिफॉर्म्स. इट इज अर्जेंसी देन द वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑन विच देर वॉज अ ब्रॉड कंसेंसस शुड हैव कम अप फ्रंट. बहुत वैलिड पॉइंट है. इन्होंने बोला कि अगर COVID-19 की वजह से आप रेफर नहीं करना चाहते हो बिकॉज बोल रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्म सेक्टर को प्रोटेक्ट करना तो हमें फटाफट पास कराना चाहिए, तो अगर ऐसी बात थी तो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसमें सबकी सर्वसहमति है, सब लोग अग्री कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं लेके आ रहे? वाई इट इज नॉट बींग ब्रॉट इन? सो देयरफॉर दे हैव रेज सम वेरी, सो दिस आर्टिकल इज वेरी गुड फॉर एग्जाम, क्योंकि ये GS2 के पॉलिटी वाले सेक्शन में आपका जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है उसके इफेक्टिवनेस पे ये बात करता है. और मैं आपको लिख के ये बोल सकता हूँ कि इस बार की मेंस का एक क्वेश्चन है. जनवरी में आप देखना क्वेश्चन होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज का, उस दिन आपको याद आएगा एग्जामिनेशन हॉल में जो इस बार एग्जाम देंगे कि मैंने आपको इस दिन पढ़ाया था. यहाँ से कम 8 से 10 पॉइंट मिल जाएंगे जो मैंने बताया जो आप लिख सकते हो एग्जाम में. और आप लिख के रख लो, आज 28 सितंबर है, मैं लिख के दे सकता हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी पे January 2021 मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन होगा GS2 में. मैंने आपको पेपर लीक कर दिया, आप चाहो इसको जैसा समझ सकते. सो इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि मुझे पता है कि क्या पूछेंगे, आप देख लेना. सो दिस वॉज द आर्टिकल, आई शेयर द नोट्स फॉर दिस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, इसको देख लेना. दीज आर सम ऑफ द स्पेशल क्लासेस लिंक, सो यू कैन गो ऑन माई प्रोफाइल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल दिया हुआ है, तो आप जाके मेरी स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो. और आज रात को जैसे मैंने बताया क्वालिटी की क्लास होने वाली है, उसको आप लोग अटेंड जरूर करिएगा. एंड उसके अलावा आज एक दो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन एडिटोरियल आया है तो वो मैं आपको एज अ सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट दे देता हूँ. तो जितने लोगों ने असाइनमेंट किया है वेल एंड गुड, अगर आप लोगों ने यू नो असाइनमेंट अटेंड किया एंड आई होप दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड एंड मैच. असाइनमेंट देने का पर्पस ये था कि ताकि आप लोग को समझ में आए कि आप लोग जो पढ़ रहे हो क्या वो सही नोट कर रहे हो और जो मैं दे रहा हूँ क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो आज के लिए भी असाइनमेंट आप लोग को दे देता हूँ. तो आज के न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं आई हैं, बट फिर भी एक जो है एक सेंटिनल ऑफ द गार्डिंग ऑफ राइट्स, ये आप हमारे दुष्यंत दवे जी ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में. तो ट्राई एंड रीड दिस आर्टिकल, इट माइट बी यूजफुल. इसमें देखना चाहता हूँ मैं कि आप कितने कितने वर्दी पॉइंट्स निकाल सकते हो. दिस इज़ वन ऑफ द आर्टिकल एंड द अदर वन इज़ द बेनिफिट्स ऑफ द कार्बन टैक्स. ये दो आर्टिकल आपको पढ़ने हैं. इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल आया है व्हाट एल्स मेडिकल एजुकेशन, तो ये मैं आपका डिस्कस कल करूँगा. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम, क्योंकि आपने देखा होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिप्लेस्ड. और ये कोई खास आर्टिकल नहीं है फिस्कल अर्थमेटिक, वी ऑलरेडी नो कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए और डिमांड को बढ़ाने के लिए, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. 9:30 बजे रोज क्लास हुआ करेगी, 9:30 to 10:30. ट्राई एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. आई वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल ज्वाइनिंग इन. जैसे मैंने पहले बोला था द टारगेट इज टू रीच ऑलमोस्ट 400+ लाइव व्यूवर्स एट द टाइम बाय अक्टूबर एंड. So let's hope we can do that. It would be great if we can do that. More and more people can join in. So try and share it with your friends, family. Jitne zyada log dekhenge. And this newspaper analysis is not just for UPSC aspirants. This newspaper analysis is for everyone jisko samajhna hai ki kya chal raha hai. To isme aapki mummy, papa, bhai, you know, behen, sab log baith ke dekh sakte hain. Chacha, padosi, Sharma ji, Gupta ji, sab log dekh sakte hain. So try and share with, you know, with this with every one of your family members. And I'm glad that बहुत सारे actually students के family members attend करते हैं उसको, because I kept keep getting feedback कि वो लोग भी ये newspaper analysis सुबह उठ के देखते हैं. I think this is important because आजकल जिस तरीके का हंगामा है you know TV में और news media में कि they don't focus on the issues, I think it's very important that people should focus on those news that really matter.
rather than the ones which do not matter. ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ट्यूनिंग इन. आई विल सी यू गाइज टुमारो, एंड बाकी स्पेशल क्लास में मिलेंगे आज रात को. सो थैंक यू सो मच. बाय गाइज, बी सेफ, टेक केयर.